प्रस्तुत चित्रांकन भगवान महावीर जी के 2600वें जन्म कल्याणक महोत्सव वर्ष में उनके पावन चरणों में हमारी श्रद्धांजलि है। हमारा मंतव्य संप्रदाय मतभेदों से परे हटकर संपूर्ण मानव समाज को भगवान महावीर जी के जीवन एवं शिक्षाओं से अवगत करवाना है। प्रस्तुतीकरण में हुई किसी भी शास्त्रीय पद्धति की अवज्ञा, अवहेलना अथवा अशातना के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। जाने देता, मेरी भी मंशा पूरी कर दो भगवान। मेरी खाली झोली को अपने आशीर्वाद से खुशियों से भर दो। बेटी, प्रभु की लीला अपरंपार है। जैसे भक्तों को प्रभु की भक्ति करने पर आनंद मिलता है, वैसे ही प्रभु भक्तों का दुख हर कर सुख देने पर आनंदित होते हैं। बेटी, ये लो प्रसाद, भगवान का आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहे। पुत्रवती भाव। स्वामी, ये लीजिए प्रसाद। नंदा, कुछ भी हो जाए, तू अपने नियम और व्रत कभी नहीं भूलती। देखना,
कहीं सुबह शाम प्रभु पूजन करते करते मुझे ही ना भूल जाना। नहीं स्वामी, उस प्रभु के पूजन से तो आप मुझे मिले हैं। अग्नि के समक्ष सात फेरे लेकर आपने मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाया है। उस प्रभु की मुझ पर अनुकंपा है। ये मैंने इस प्रभु से आज फिर कुछ मांगा है। अच्छा, क्या मांगा है भाई? ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। अरे हाँ, आज मंदिर से लौटते हुए मुझे आपके नशेरा वाले मौसी जी मिले थे। अच्छा, अरे भाई उनको साथ लेकर आना था, मुझे भी बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। मैंने तो उनसे बहुत कहा था, लेकिन वो कहने लगी वो हमारे घर पर तभी आएंगी जब जब मुझे शर्म आती है। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है? तो ये बात है, तुम मौसी जी ने ये कहा है। अच्छा ये तो बताओ, मौसी जी हमारे घर कब आने वाली है? दत्त, मुझे नहीं पता। ए नंदा, अरे सुनो तो सही। कैसा अद्भुत दृश्य था! इतने ढेर सारे सफर मैंने पहले कभी एक साथ नहीं देखे। कहीं सफेद हाथी, कहीं बैल, कहीं शेर, कहीं लक्ष्मी माँ, कहीं फहराती ध्वजा, कहीं सूर्य, कहीं चंद्रमा, कहीं पद्मश्री, कहीं विमान, कहीं ढेर सारी जलती हुई शिखाएं, कहीं रत्नों का ढेर। इस सपनों का क्या अर्थ है? मैं अभी स्वामी से पूछती हूँ। नहीं नहीं, मैं अभी उनकी निंद्रा भंग नहीं करूंगी। मैं सुबह उनसे इस विषय में बात करूंगी। मुझे समझ में नहीं आता ये सब सपन आखिर क्या फल देंगे। भविष्य में क्या घटित होने जा रहा है? वही घटित होने जा रहा है जिसका संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त लोगों को एक अवधि से इंतजार था। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का अब धरती पर अवतार धारण करने का समय आ पहुंचा है। लेकिन देवश्रेष्ठ, ये तो बताइए कि 24वें तीर्थंकर भगवान कैसे कुल में जन्म लेकर उसका श्रेष्ठ कल्याण करने वाले हैं? वे देव, गोत्र कर्म के उदय से भगवान अरिहंत अवतरित तो देवानंदा के गर्भ में हुए हैं, लेकिन उनका जन्म ऋषभदेव स्वामी के पूर्वज वंशज क्षत्रियों में विख्यात राजा सिद्धार्थ की पत्नी त्रिशला की कोख से होगा। देवश्रेष्ठ, इसके लिए तो देवानंदा ब्राह्मणी का गर्भ रानी त्रिशला के कुक्ष में परिवर्तित करना पड़ेगा। निस्संदेह। तो फिर देवानंदा की कुक्षी तो रिक्त हो जाएगी। इस तरह तो गर्भहरण का पापकर्म भी भोगना पड़ेगा। नहीं देव, देवानंदा की कुक्षी में रानी त्रिशला के गर्भ को स्थापित कर दिया जाएगा। यही मेरा कर्तव्य है और यही मुझे करना पड़ेगा। देव श्रेष्ठ, हे देव, हमारे कर्तव्य पूर्ति के लिए जाओ और तीर्थंकर भगवान को देवानंदा की कुक्षी से लेकर रानी त्रिशला के गर्भ में स्थापित कर दो, और जो रानी त्रिशला के गर्भ में है उसको उठाकर देवानंदा की कुक्षी में रख दो। ये कार्य अति शीघ्र हो जाना चाहिए। जो आज्ञा देव श्रेष्ठ। अरिहंत प्रभु, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। हे भगवंत, मुझे देवेंद्र ने आपके परिवर्तन का कार्यभार सौंपा है। इसको संपन्न करने में मेरा मार्गदर्शन कीजिए। Thank you.
इतना बेचैन क्यों हो रहा है? दिल में आज कैसी अधीरता छाई हुई है? रात का तीसरा पहर शुरू होने को है, मगर निंद्रा मेरी आंखों से कोसों दूर चली गई है। महारानी, प्रयत्न कीजिए, बेचैनी को अपने मन से निकाल दीजिए। मैं ऐसा राग छेड़ूंगी कि आप सफल लोक में खो जाएंगी। हंत प्रभु, देवेंद्र की आज्ञानुसार आपको माता त्रिशला की कुक्षी में स्थापित किया जा रहा है और माता त्रिशला के गर्भ को देवानंदा की कुक्षी में परिवर्तित कर दिया जाएगा। मेरा कार्य विधि पूर्वक संपन्न हो जाए, यही आशीर्वाद दीजिए मुझे। देवानुप्रियो, निस्संदेह आप सभी स्वप्न शास्त्र के प्रकांड विद्वान हैं। महारानी त्रिशला ने अल्प निद्रा अवस्था में 14 महास्वप्न देखे हैं। हे महानुभावो, आप विचार कर बतलाइए कि ये स्वप्न किस प्रकार कल्याणकारी और आनंददायक फल देने वाले होंगे। महारानी जी, आप हमें बताइए कि आपने कौन कौन से स्वप्न देखे हैं। शास्त्री जी, मैंने इन स्वप्नों में देखा इस तरह के, मैंने 14 स्वप्न देखे शास्त्री जी। महाराज, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि वासुदेव की माता वासुदेव के गर्भ में आने पर इन 14 में से 7 स्वप्न देखती है, बलदेव के गर्भ में आने पर केवल 4 स्वप्न देखती है। महाराज, रानी त्रिशला ने तो ये प्रशस्त महास्वप्न देखे हैं जो अति मंगलकारी है। हाँ महाराज, महारानी त्रिशला एक ऐसे पुत्र को जन्म देने वाली है जो या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या फिर धर्म चक्रवर्ती जिनेश्वर होगा। जब से आपने हमें 14 स्वप्न के बारे में बताया है और जब से हमें यह ज्ञात हुआ है कि हमारे कुल में एक चक्रवर्ती सम्राट का जन्म होने वाला, तभी से हमारी संपदा में वृद्धि होती जा रही है। छोटे राज्यों ने हमारा आधिपत्य स्वीकार कर दिया है, राजकोष में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। आर्य पुत्र, ये तो प्रभु ऋषभदेव भगवान की कृपा का ही फल है। निस्संदेह देवी, प्रभु की अपार अनुकंपा हुई है हम। देवी, मैंने तो होने वाले पुत्र का नाम भी सोच लिया है। आर्य पुत्र, इतनी उत्सुकता अच्छी नहीं होती, बच्चे के नामकरण के लिए तो अभी बहुत समय है। निस्संदेह, जिसके स्वप्न मात्र की खबर से हीरे ज्वाहरात धन संपदा बढ़ गई है, ऐसे मंगलमय बालक का जब जन्म होगा तब तो बात ही कुछ और होगी। हमने सोच लिया है कि ऐसे गुणवान और
अद्भुत बालक का नाम हम वर्धमान रखेंगे। वर्धमान। देव श्रेष्ठ, ढोल नगाड़ों से यह आभास हो रहा है कि आज सभी को किसी महोत्सव का निमंत्रण दिया गया हो। आपके मुखमंडल की आभा को देखकर लगता है कि अति हर्षित करने वाला समाचार सुनने को मिलेगा। इतने अधीर मत होइए। आज हमने आप सबको एक महत्वपूर्ण प्रयोजन के लिए यहाँ आमंत्रित किया है। इतने वर्षों के पश्चात 24वें तीर्थंकर धरती लोक पर जन्म ले रहे हैं और हर्ष की बात यह है कि यह खुशी का दिन आज ही है जब क्षत्रानी त्रिशला भगवान महावीर को जन्म देगी। से मालूम हुआ है कि भगवान अरिहंत का जन्म हो चुका है। जाने का आपका प्रयोजन सफल हुआ है। प्रभु श्री के जन्म से धरा पवित्र हो गई है। देव श्रेष्ठ, हमने आपकी आज्ञा अनुसार योजन प्रमाण पृथ्वी को सुगंधित बनाकर सूतिका ग्रह का निर्माण किया था। प्रभु के जन्म लेने के बाद चंदन का होम किया गया। फिर उनकी माता और प्रभु को जन्म स्थान पर छोड़कर हम यहाँ चली आई। देख, कुमारियों ने सर्वप्रथम प्रभु के दर्शन करके अपना मंगल सिद्ध किया है और हम भी यह सुअवसर अपने हाथ से जाने नहीं देंगे और शीघ्र ही मेरु पर्वत पर जाकर स्नात्र उत्सव मनाएंगे। Oh,
रतन कुक्षी, आपको मेरा नमस्कार हो। सभी देवताओं द्वारा प्रभु का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया है। माता, धरती लोक ही नहीं, तीनों लोक में आपका जय घोष हो रहा है और वे सभी आपके ऋणी हो गए हैं। जगत में दीपिका समान माता, आपको मैं बार बार वंदन करता हूं। बधाई हो महाराज, बधाई हो, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बधाई हो महाराज, बधाई हो। हाथी को अपने वश में कर लिया था। गेंद मिल गई, चलो खेलें। वर्धमान, क्या यह सच है कि तुमने एक हाथी को अपने वश में कर लिया था? इसमें वीरता की क्या बात है? अपने को जीतना सच्ची वीरता है। हाथियों को तो महावत भी वश में कर सकता है, लेकिन अपने आप को वश में करना सबसे बड़ी बात है। आओ खेलें। बहुत अच्छे। अरे सांप। अच्छा, तो ये बात है, मैं देखता हूँ सांप महाराज को। हे देवो, वर्तमान काल में पृथ्वी लोक पर श्री वर्धमान कुमार अवस्था में ही महापराक्रमी है। ऐसे निर्भीक बालक को देव दानव कोई भी नहीं डरा सकता। उनकी निर्भयता को तोड़ना असंभव है। देव श्रेष्ठ, मैं आपके विचार से सहमत नहीं। धरती लोक के एक मानव के लिए इस तरह की बात करना आपको शोभा नहीं देता। संगम देव, कुछ विचार कर बोलिए। देव श्रेष्ठ ने अगर बालक वर्धमान के लिए ऐसा कहा है तो उनका कोई तो अभिप्राय रहा होगा। उनका अभिप्राय कुछ भी रहा हो, लेकिन मैं कदापि सह नहीं सकता कि स्वर्ग के देवताओं के आगे एक तुच्छ मानव के लिए देव इंद्र इतनी बड़ी बड़ी डीगे हाके। कहां एक देव, कहां एक मनुष्य। बालक वर्धमान कोई साधारण बालक नहीं है, वो तो तीर्थंकर भगवान है।
उनके विषय में कोई बात कहते हुए विवेक से काम लीजिए। ठीक है देवश्रेष्ठ, अब मैं अपने विवेक से ही काम लूंगा। बालक वर्तमान के पराक्रम की परीक्षा मैं स्वयं लूंगा। हाँ स्वयं लूंगा। अब देखता हूं ये वर्तमान कितने बड़े बहादुर हैं। खेले आओ पीठ पटकता खेल खेले। पीठ पटकता खेल निराला पकड़ा किसने हाथ निकाला। पीठ पटकता खेल निराला पकड़ा किसने हाथ निकाला। पकड़ लिया पकड़ लिया। वर्तमान जीत गया वर्तमान जीत गया वर्तमान जीत गया वर्तमान जीत गया वर्तमान जीत गया। क्षमा कर दीजिए अभिमान के वशीभूत इंद्रदेव को नीचा दिखाने के लिए मुझे यह सब करना पड़ा। आपके पराक्रम में जरा भी संदेह नहीं है। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप महावीर हैं, प्रभु महावीर हैं। मेरा शत शत वंदन स्वीकार कीजिए। पिता वर्धमान तू किधर चला गया था? मैंने तुझसे कहा था ना कि तू अकेले बाहर मत जाना। अरे मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। माँ तुम मेरे लिए व्यर्थ ही चिंता मत किया करो। जीवन आयु कर्म के अधीन है, कर्मों के अतिरिक्त इसे कम नहीं किया जा सकता और ना ही इसे बढ़ाया जा सकता है। देख तेरी इतनी बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं समझ सकती बेटा। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। मुझे वचन दो। वचन दो जब तक मैं ना कहूँ तू महल से बाहर नहीं जाएगा। जैसी आज्ञा माँ। जिससे आपको कष्ट हो मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा। रानी माँ रानी माँ। आओ नंदी आओ। क्या बात है? कहीं तुम बहुरानी को ढूंढते हुए तो नहीं माँ के पास चले आए? अरे नहीं रानी माँ, आपकी बहुरानी संप्रज्ञा तो अपने कक्ष में है, मैं वहीं से आ रहा हूँ। मैं तो यहाँ आपके छोटे लाडले वर्धमान से मिलने आया हूँ। कहाँ है वो? अरे तुम्हें उससे मिलने की क्या आवश्यकता पड़ी? राजकाज के कामों में तो उसकी जरा भी दिलचस्पी नहीं है और ना ही नृत्यशाला जाना उसको भाता है। फिर तुम उसे किस प्रसंग में मिलना चाहती हो? विवाह प्रसंग में। अर्थात? रानीमा महाराज पिताश्री ने विशेष तौर पर वर्धमान को अपने पास बुलाया है क्योंकि उसकी शादी के लिए राजा समरवीर की बेटी के नाम का प्रस्ताव आया है। अच्छा ये तो बड़ा शुभ समाचार है। महाराज कहाँ है? वो अपने कक्ष में है। आप चलिए मैं वर्धमान को लेकर आता हूँ। वर्धमान वर्धमान तुम यहाँ हो और मैंने तुम्हें ढूंढते ढूंढते सारा महल छान मारा। शीघ्र चलो तुम्हें पिताश्री ने बुलाया है। प्राताश्री? मुझे पिताश्री ने बुलाया है? क्षमा कीजिए मुझे ढूंढते हुए आपको यहाँ तक आना पड़ा। किसी सेवक को भेज देते। तुम तो व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो। बात ही कुछ ऐसी है कि हर्षित होकर मैं स्वयं चलाया। अच्छा क्या बात है वो हर्षित होने की? मैं भी तो सुनूं। ये तो तुम्हें पिताश्री ही बताएंगे। तुम चलो सभा कक्ष में हमारी प्रतीक्षा हो रही है। चलो
अति उत्तम संयोग है महाराज, दोनों कुंडलियों के ग्रह पूर्ण रूप से मेल खा रहे हैं। राजकुमार वर्धमान और राजा समरवीर की पुत्री राजकुमारी यशोधा का प्रणय सूत्र में बंधना अति मंगलकारी होगा महाराज। अहो पुरोहित जी, अपने पुत्र वर्धमान की बहू और अपने पुत्र वधु के लिए आपके मुख से ऐसे मंगलकारी वचन सुनकर हम बहुत हर्षित हुए। क्यों देवी, अपनी संतानों के लिए योग्य वर या वधु मिल जाए, इससे बढ़कर और बात माता पिता के लिए क्या हो सकती है? आर्य पुत्र, निसंदेह आपका ये कहना एक सद्बुद्धि पिता का अपने पुत्र के प्रति आगाध स्नेह को प्रकट करता है। देवी, पिता के हृदय की बात तो आपने कहती, लेकिन ऐसे मंगलकारी कार्य में माता के मन की बात तो कही ही नहीं। आर्य पुत्र, जैसे नवमंडल को मापना या समंदर की अथाह गहराई को जानना अति कठिन ही नहीं असंभव है, उसी प्रकार माँ के हृदय को अपने संतानों के ऐसे शुभ कार्यों से कितना हर्ष और संतोष होता है इसका कोई मापदंड नहीं। संतान उत्पत्ति और कुल वृद्धि के लिए ऐसे मंगलकारी प्रयोजनों से बढ़कर और क्या अभिलाषा हो सकती है। लेकिन आर्य पुत्र, कुछ देर से मेरे मन में एक शंका ने घर कर लिया है। शंका? तुम्हारे मन में शंका? देवी, क्षत्रिय कुंड की महारानी के मन में शंका? बोलो, क्या शंका है तुम्हारे मन में? आर्य पुत्र, वर्धमान हमारा प्रिय पुत्र है, उसने बाल्यावस्था से यौवन अवस्था तक एक एक पल मेरी आंखों के सामने गुजारा है। वर्धमान का अधिकतर समय आत्म चिंतन करते हुए एकांत में ही बीतता है। अब तो उसका मन जैसे संसारिक कार्यों से हटता जा रहा है, इसीलिए मेरे मन में शंका पैदा हो गई है कि वो विवाह के प्रस्ताव को मानेगा भी कि नहीं। देवी, अगर पुत्र वर्धमान का मन सांसारिक कार्यों से विमुख होता जा रहा है तो इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है कि उसे सांसारिक मोह पाश में बांधे रखने के लिए हम अनुकूल वातावरण तैयार करें। पुरोहित जी, महाराज समरवीर के यहां हमारा संदेश भिजवा दिया जाए कि हमें अपने बेटे के लिए उनकी बेटी का ये संबंध स्वीकार है। लेकिन आर्य पुत्र, राजा समरवीर को संदेशा भेजने से पहले वर्धमान की स्वीकृति लेने क्या आवश्यक नहीं है? देवी, इसके लिए विलंब की क्या आवश्यकता है? पुत्र वर्धमान से हम अभी पूछ लेते हैं। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। आयुष्मान पुत्र, अभी अभी तुम्हारे माताश्री से एक विशेष प्रस्ताव पर तुम्हारी स्वीकृति की बात हो रही थी। माताश्री, ऐसा कौन सा प्रस्ताव है जिसके लिए आपको मेरी स्वीकृति चाहिए? पिताश्री, क्या आपका मुझ पर से भरोसा उठ गया है जो मैं आपका आदेश मानने से इनकार कर दूंगा? अहो वर्धमान, तुम्हारे जैसा विनयी भावी और आज्ञाकारी पुत्र का होना माता पिता और कुल की मान मर्यादा के लिए अति हितकारी होता है। पुत्र वर्धमान, राजा समरवीर के यहाँ से उनकी पुत्री के लिए तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव आया है और इसके लिए तुम्हारे पिताश्री ने तो स्वीकृति भी दे दी है। माताश्री, इस नाशवान देह के लिए
भोगों के साधन जुटाना व्यर्थ है। आप तो मेरे स्वभाव के बारे में जानती हैं, फिर भी आप। पुत्र वर्धमान, मैंने जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों के उदय से तुम जैसा सर्वगुण संपन्न वीर और वीर पुत्र पाया है। तुम्हारी वाणी और तुम्हारे कार्यकलापों से मुझे जान पड़ता है कि तुम्हारा आगमन जन जीवन के उद्धार के लिए हुआ है। अभी तक हम लोग तुम्हें अपना पुत्र मान रहे हैं, यही कारण है कि मैं, तुम्हारे पिताश्री और परिवार के सभी लोग तुम्हारे विवाह की प्रतीक्षा बड़े चाव से कर रहे हैं। इसीलिए तुम्हें चाहिए कि तुम अपने विवाह की स्वीकृति जल्दी दे दो और ये विवाह स्वीकार कर लो। बोलो पुत्र, कुछ तो बोलो, क्या तुम्हें ये विवाह स्वीकार है? विवाह से तो संसारिक मोह के बंधन और भी सुदृढ़ हो जाएंगे, जबकि मैं तो वीतराग अनास्त योगी का जीवन बिताना चाहता। क्या करूं, कैसी असमंजस में पड़ गया हूं मैं। माता पिता के मन का परितोष करना पुत्र का प्रथम कर्तव्य है और मुख्य धर्म भी है। कुछ भी हो जाए, इस समय माता पिता की इच्छा को स्वीकार करना ही मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। हाँ, मैं विवाह करूंगा, अवश्य करूंगा। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा वीर्यवहै। अरे हंस, महावीर के गुणों की प्रशंसा की जा रही है। उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए शोभा के साथ प्रण्य सूत्र में बंधकर समस्त मानव जाति के सामने मातृ और पितृ भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है। देव श्रेष्ठ, प्रभु ने जिस प्रयोजन के लिए धरती लोक में अवतार धारण किया है उसके लिए अभी कितना समय शेष है? हे देव, मानव मात्र के कल्याण के लिए अवतार लेने वाले प्रभु ने अपना प्रयोजन बहुत पहले से शुरू कर दिया था। गर्भावस्था में जब प्रभु को लगा कि उनके हिलने से माता को कष्ट होगा तो वो अपनी जगह स्थिर हो गए। इससे माता को लगा जैसे गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो गई है, तो उस वक्त माँ को बहुत दुख हुआ। ममता और माँ की वेदना को समझते हुए शिशु फिर हिलने जुलने लगा। तब कहीं जाकर मां को लगा कि अब उसका शिशु ठीक है। तभी प्रभु ने प्रतिज्ञा की कि मेरे से माता को कभी कष्ट ना हो और ना ही अपने माता और पिता के जीते जी मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा। अहो, प्रभु महावीर धन्य हैं। हे देवो, चौथे आर्य के अंतिम वर्ष चल रहे हैं। पृथ्वी लोक में प्रभु के माता पिता मृत्यु को प्राप्त कर देवलोक में पहुंच चुके हैं। प्रभु की प्रतिज्ञा पूर्ण होने का समय आ गया है। गृहस्थ पालन के थोड़े से समय में ही प्रभु ने यशोदा को अपने प्रति अनुराग समाप्त करने के लिए प्रेरित भी किया है। देवी, जन्म मरण की परंपरा और पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का समुदाय ही तो संसार है। यह संसार अनादिकाल से चला आ रहा है और चलता रहेगा। इसका ना तो कोई करता है और ना ही नाश करने वाला। सब कर्मों का क्षय करके मैं इस संसार से मुक्त होना चाहता हूं। माता पिता ने सोचा था कि मेरे लिए तुम्हारे जैसे सुंदर पत्नी के मोहपाश से मुक्त होना अत्यंत कठिन होगा, लेकिन जब मैं स्वयं में बोध पाकर समस्त प्राणियों को धर्मोपदेश देकर उन्हें मुक्ति पथ की राह दिखाना चाहता हूं, तो फिर ये संसारिक बंधन
मुझे कब तक बांध कर रख सकते हैं? स्वामी, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आपके लिए संसार बंधन का कारण नहीं बनूंगी। मैं जगत को ये कहने का अवसर नहीं दूंगी कि नारी नर के बंधन का कारण है। यदि आप इस सब संसार के कल्याण के लिए पति बनना चाहते हैं, तो मैं आपकी सहधर्मिणी बनूंगी। भ्राता श्री, वर्धमान, क्या ये सत्य है कि तुम हम सबको छोड़कर साधुत्व ग्रहण करने जा रहे हो? भ्राता श्री, आप सभी के कहने पर मैं कुछ देर के लिए गृहस्थी हो गया था, मगर अब जबकि मैंने इंद्रिय निग्रह का निश्चय कर लिया है, तो कोई भी मुझे राग के बंधन से नहीं बांध सकता। भ्राता श्री, कृपया आप मुझे दीक्षा व्रत धारण करने और उसके द्वारा आत्म उद्धार करने की अनुमति दें। भाई, माता पिता ने तो मुझे पहले ही छोड़ दिया है, अब तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। भ्राता श्री, माता पिता, बहन भाई, यह संबंध तो इस जीवन में अनेक बार बांधा गया है, इसलिए व्यर्थ ही क्यों प्रतिबंध किया जाए? वर्धमान, मैं सब कुछ जानता हूं। तुम्हारी बातों से तो लगता है तुम्हारा तो राग तंतु भी टूट चुका है, जिसके कारण व्यक्ति घर परिवार से जुड़ता है। लेकिन लेकिन भाई, मुझे तो प्राणों से भी प्यारा है। तेरा विरह मेरे लिए अत्यंत पीड़ा कारक होगा। देख, इसीलिए तू अपने भाई का आग्रह स्वीकार कर। सिर्फ दो वर्ष इस घर में रह, उसके बाद मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ठीक है भाई, अब से दो बरस तक मैं यहां रहकर प्रासक आहार पानी ही ग्रहण करूंगा। बस्तीदान कर रहे थे तो मैं यहाँ नहीं था, बाहर जाने के कारण आपकी दया का पात्र नहीं बन सका। मुझ ब्राह्मण पर कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए, मेरा दरिद्र दूर कीजिए, मेरा दरिद्र दूर कीजिए। मैं
अरे पंडित जी, ये तो अद्भुत वस्त्र है, किसी देवलोक का लगता है। अगर दूसरा हिस्सा भी मिल जाए हम तो मालामाल हो जाएंगे। हम मालामाल हो जाएंगे? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा अभी वर्तमान जी बहुत दूर नहीं गए होंगे, मैं जाता हूँ और दूसरा हिस्सा भी लेके आता हूँ, हम मालामाल हो जाएंगे। मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। अगर मुझे वो दूसरा हिस्सा मिल जाए तो मैं मालामाल हो जाऊंगा, मगर मांगूंगा कैसे? वो क्या कहेंगे, कितना लालची पंडित है। लेकिन मैं मांगूंगा जरूर, तो आपकी इतनी वस्त्र है, मैं जरूर मांगूंगा, जरूर मांगूंगा, मैं जरूर मांगूंगा। मेरी घूंगी आई थी, देखिए किधर गई। साधु महाराज मैं आपको पूछ रहा हूं, मेरी घूंगी देखी है कहीं? अरे साधु महाराज मैं आपसे पूछ रहा हूं। ओहो परेशान कर दिया इसने। अरे घूंगी तो यही है, इसने तो जानबूझ कर परेशान किया तेरी तो। अरे ये तो कोई महापुरुष है, क्षमा करो भगवान, क्षमा करना। प्रभु आपका साधना काल घोर संकटपूर्ण है, अज्ञानी लोग आपको आहत करेंगे। प्रभु हे प्रभु मुझे आज्ञा दें कि मैं आप श्री के चरणों में रहकर आप श्री की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। प्रभु हे इंद्र कर्मों का भोग सबको भोगना पड़ता है, कष्टों के भोग से ही तो पूर्वकृत कर्मों का लेखा जोखा निपटेगा, अतः आप मेरे कष्टों की चिंता मत करें। जैसी आज्ञा प्रभु। दुर्दंत के आश्रम में आपका स्वागत है। जैसे ही मुझे पता लगा कि मेरे मित्र सिद्धार्थ के पुत्र मुराक में पधारे हैं, मैंने उसी समय मन बना लिया था कि मैं उनको आश्रम में पधारने के लिए अनुरोध करूंगा। हे भगवान मेरा आश्रम पास ही है, कृपया वर्षा काल तक हमारे आश्रम की शोभा बढ़ाएं। महाराज की तो बात ही निराली है, वो रमे हैं अपनी धुन में और गैया लगी है अपनी धुन में। मुनि जी की मुद्रा तो देखिए, लगता है बादलों के पार भगवान से सीधा विचार विमर्श हो रहा है। जरा इधर भी तो नजर घुमाइए, अगर मुनि जी अपनी झोपड़ी ढूंढेंगे तब पता चलेगा। अरे जब तक पता चलेगा तब तक झोपड़ी होगी गैया के पेट में। गैया को रोकने की बजाय इनकी तरफ देखकर अजीत कर रहे हो।
मुनि भगवन, आपको अपने रहने के स्थान का ध्यान रखना चाहिए। मुनिराज, आपको अपनी झोपड़ी का ध्यान रखना चाहिए था। कैसी झोपड़ी? वही जिसमें आप रहते हैं। मेरी झोपड़ी? कहाँ है मेरी झोपड़ी? मैं तो साधु हूं, मेरा तो कुछ भी नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं। बस रहने दीजिए भगवान, अभी नए नए साधु बने हैं ना, तभी ऐसा सोचते हो। इन बातों में कुछ नहीं रखा मुनिराज, अभी बहुत समय लगेगा, साधु बनना इतना आसान नहीं, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अरे भगवान को पाना टेढ़ी खीर है। अरे खीर के नाम से याद आया, मेरे को तो बहुत भूख लगी है, भूखे पेट तो भगवान का नाम भी नहीं लिया जाता। चलो सुनो, चलो यहाँ से, चलो चलो। यह स्थान मेरे लिए अनुकूल नहीं है, जिस स्थान में अविश्वास हो वहां मुझे ठहरना नहीं चाहिए, जहां किसी को आपत्ति हो उस स्थान पर नहीं रहूंगा मैं। अरे साधु महाराज, उस तरफ मत जाइए। अरे साधु महाराज, उस तरफ आपकी जान को खतरा है। वहां रहने वाला शूलपाणी यक्ष जिंदा इंसानों की बलि चढ़ा देता है। अरे रुक भी जाइए महाराज, क्यों अपने आप को मौत के कुएं में धकेल रहे हैं? शूलपाणी नाम है मेरा, मैंने कितने ही आदमियों को मौत के घाट उतार कर उनकी अस्थियों से इस गांव को भर दिया है। अब तू भी आ गया है मरने के लिए। जादूगर है कोई, अभी तेरा खेल खत्म कर देता हूँ। भगवान क्षमा, भगवान क्षमा। हे यक्ष, आज तक तू वास्तविक तत्व को समझने में असमर्थ ही रहा है, यथार्थ तत्व को समझने और उसे व्यवहारिक रूप देने का प्रयत्न करो। आज तक किए गए समस्त पापों का अंतःकरण से प्रायश्चित करके पाप मुक्त बनने की कोशिश करो। बस इसी एक मार्ग पर चलकर तुम कल्याण प्राप्त कर पाओगे। भगवान, आप बहुत परोपकारी हैं, आपके समक्ष मैं ये वचन देता हूं कि समस्त दुष्ट प्रवृत्तियों का त्याग कर दूंगा। आपने तो मेरे जीवन की काया ही पलट दी है भगवान, अपने पूर्व भाव का बदला लेने के लिए मैंने कितने ही पाप किए हैं भगवान, परंतु प्रभु आपने तो मेरी काया ही पलट दी है, मुझे कुमार्ग से हटाकर सदमार्ग पर लगा दिया है भगवान। भगवान, yeah।
चंड कौशिक, तेरे मन की दुष्ट प्रवृत्तियों में यह आकस्मिक परिवर्तन देखकर मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। यह सब तेरे पूर्व सुकृतों का फल है। तू इसे स्थिर बनाने की कोशिश कर चंद कौशिक। तू अंधकार में भटका हुआ था, इसीलिए संसार के कितने भोले भाले लोगों को तूने सताया है चंद कौशिक। अपने स्वरूप को पहचानने का प्रयास करो। मोहवश इस भाव में हुई भूलों के लिए शुद्ध मन से पश्चाताप कर और प्रयाचित करके अपनी आत्मा का उद्धार करो। आपकी कृपा से मुझे जाति स्मरण ज्ञान हो गया है। पिछले दो भवों में प्रचंड गुरु के स्वभाव के कारण ही मुझे विषधर सांप बनना पड़ा। मैं अब पश्चाताप करूंगा। मुझे क्षमादान दीजिए प्रभु, मुझे क्षमादान दीजिए। अरे दादू महाराज, आप यहां बैठे हैं। मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा और आप मुझे यहां मिल ही गए। इसके पास तो कुछ भी नहीं, हीरे जवाहरात भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जरूर कहीं छुपा के रखे होंगे। महाराज मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, अपना शिष्य बना लीजिए। मैं गोशालक हूँ, आपकी सेवा के लिए आया हूँ। मैंने तो अपना घर बार भी छोड़ दिया महाराज, अब तो शिष्य बना लीजिए। महाराज मैं आपसे दीक्षित होता हूँ और आज से आपका शिष्य बनता। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप यहाँ जहाँ भी जाएंगे मैं आपके साथ ही जाऊंगा। आज से आप मेरे गुरुदेव हुए। जय जय महाराज। किसी के घर से आहार लेकर आते हैं। क्षमा करे भगवान, आज तो मैं किसी अमीर उपनंद के घर स्वादिष्ट भोजन करके आऊंगा। मेरी मानिए महाराज, आप ही मेरे साथ चलिए, आज हम दोनों स्वादिष्ट भोजन करेंगे। तुम हुआ गोशालक, जाओ। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अजी अमीर घर के खानों की बात ही निराली होती है। क्या खुशबूदार मिठाइयों की महक आ रही है। बस खुशालक बस, तुम्हारे लिए खाना आता ही होगा। ये लो इसों की रोटी लाया है मेरे लिए। तो क्या मरती लाए तेरे लिए। नमस्कार, मेरा नमस्कार। स्वादिष्ट पकवान की जगह ये टुकड़ा अपमान नहीं सहूंगा मैं। अगर मैं किसी तपस्वी गुरु का शिष्य हूँ तो अभी मेरी आंखों के सामने इस उपनंद का घर जलकर भस्म हो जाए, राख हो जाए। हा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 ह
आज मालूम है क्या हुआ? मैंने आपका नाम लेकर कहा कि ये घर भस्म हो जाए, वहां आग ही आग हो गई। गोशालक, शरीर में एक जुबान दो कान है, मनुष्य को बोलना कम और सुनना अधिक चाहिए। तुम वाणी पर संयम करना सीखो, तुम्हारे कार्य प्रकृति के नियम तोड़ने वाले हैं। अपनी वाणी के माधुर्य से शत्रुओं को भी प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। जी गुरुदेव। अरे भाई, कहाँ गए वो चोर? ढूंढते ढूंढते हालत खराब हो गई। एक बार मिल जाए मुझको, मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। अरे रुक जाओ, कहाँ जाओ? अच्छा, तुम साधु के भेष में छुपते फिरते हो, सोच रहे होंगे हम तुम लोगों को पहचानेंगे नहीं। अरे चोरों को तो हम ढूंढ कर पहचान ले। अरे भगवान, कुछ तो बोलिए, ये हमें चोर समझ रहे हैं। अरे भाई, हमें मत पकड़ो, हम चोर नहीं है। अरे हम तो बताए हैं तुम चोर हो के साधु, चोरी कमा कहाँ छुपा है बता? जरूर यही कहीं छुपाया होगा, अभी तुम्हारी खातर करता हूँ। अरे भाई, मैं सत्य कह रहा हूँ, हम चोर नहीं है, हम तो साधु है, हमारे पास कुछ नहीं है। मैंने तो जेब से खाना भी नहीं खाया, भूखा प्यासा हूँ, और ऊपर से तुम खातिरदारी करने की बात कर रहे हो। भगवान, अरे भगवान, मुझे बचाओ। अब बात करता हूँ तुम्हारे भगवान से भी मैं। मैंने तो बहुत बड़े बड़े चोरों के मुंह खुलवाए हैं, भोज के भगवान, पहले तुम बताओगे या तुम्हारा चेला? हाँ तो भगवान महाराज, बताइए चोरी का सामान कहाँ छुपाया है? तुम ऐसे नहीं बताओगे? रुक जाइए, क्या कर रहे हो, रुक जाइए। ये चोर नहीं है, ये तो मुनिराज वर्धमान है। अभी कल ही घर नंद के घर देखा था, छोड़ दीजिए इन्हें। क्षमा कीजिए भगवान, ये सेवक आपको पहचान नहीं सके। जहां मेरा हाल पूछने वाला कोई नहीं है, साधु बनकर क्या मिला? पाँव में छाले और बुरे है हाले, सोचा था हीरे जवाहरात मिलेंगे, थोड़ा बहुत कष्ट होगा सो सह लूंगा, लेकिन यहाँ तो कष्ट ही कष्ट है, ना जाने इन कष्टों से कब छुटकारा होगा। अरे साधु महाराज, ढंग से खड़े होइए, वरना थक जाओगे। अरे बाहें तो देखो कैसे ऊपर फैला रखी है। अरे महाराज, बाहें नीचे कर लो वरना बरसात हो जाएगी। अरे सूर्य की तरफ तो ऐसे देख रहा है जैसे अभी निकल जाएगा। अरे लोगों को लूटना है तो ये ढोंग की क्या आवश्यकता। अरे छोड़ो, सीधे होकर खड़े हो जाओ। दुष्ट, पापी, अधर्मी, तुमने मेरी तपस्या को बंद किया है, तुझे तेरी धूर्तता का फल जरूर मिलेगा। ए भगवान, मुझे बचाइए, देखता हूँ तेरे भगवान को और तुझको भी। ए भगवान, बचाओ, बचाओ भगवान, मुझे आग मुझे चला करेगी। ए भगवान,
भगवान, अग्नि मुझे जलाकर भस्म कर देगी। मेरी रक्षा कीजिए भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान, आपने मेरी तेजोदशा शक्ति निष्फल कर दी। मुझे अपनी शक्तियों पर बहुत अभिमान था, मुझे बहुत गर्व था अपनी भक्ति पर। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान, आप क्षमा की मूर्ति हैं, आपके तप और तेज के आगे साधारण प्राणी तो क्या, देवताओं की शक्तियां भी कुछ काम नहीं कर सकती। मैंने यह प्रत्यक्ष खुद देखा है। ये साधु महाराज आपकी आंखें कैसे गिड़गिड़ा रहे थे, मेरी आंखों से कुछ छिपा थोड़ी है। भगवान, साधु महाराज की तरह तेजोदशा शक्ति क्या मैं भी प्राप्त कर सकता हूँ? भगवान, कुछ खास प्रयोजन के लिए नहीं, ये तो बस यूं ही। कोषालक, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार कारण हैं जो मानव को जन्म मरण के बंधन में बांधे रखते हैं। क्रोध को क्षमा से, मान को विनय से, माया को सरलता से, लोभ को संतोष से जीत लिया जाए तो मानव क्षय से निकलकर इस भव को पार कर सकता है। जिस शक्ति की तुम बात कर रहे हो वह तेजोदशा तो कुछ भी नहीं, जो साधक 6 मास तक 2 दिन का तप करके 8 प्रकार के कर्मों, शरीर की 7 धातुओं को जलाता है, उसे तेजोदशा की प्राप्ति होती है। मगर ऐसी शक्तियां साधु के मार्ग को कभी प्रशस्त नहीं कर सकती। तेजोदशा शक्ति अवश्य प्राप्त करूंगा। साधु मार्ग अवरुद्ध होता है तो हो जाए, संसार भव में फंसता हूं तो भी कोई बात नहीं। जरा सोचो, जब लोग मुझसे बात करने से डरेंगे और मेरी जय जयकार करेंगे, जब तेजोदशा शक्ति मुझे प्राप्त हो जाएगी तो मैं किसी को भी भस्म कर सकता हूंगा। पर यहां रहकर यह कार्य करना कठिन है। अपने मंतव्य को पूरा करने के लिए मुझे गुरु भी छोड़ना पड़े तो भी बात नहीं। हां, ये ठीक रहेगा। अब मैं यहां एक पल भी नहीं ठहरूंगा, अभी यहां से चला जाऊंगा। देवो, अरिहंत प्रभु महावीर जी ने सब प्रकार से धर्म की साधना करते हुए अनेकों कष्ट सहे हैं। सदेव, सगुरु और सुधर्म के पथ पर अग्रसर प्रभु महावीर की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। देवश्रेष्ठ, प्रभु महावीर ने जिस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के पथ पर चलते हुए जन जन का कल्याण किया है, उसकी प्रशंसा 3 लोकों में है। प्रभु महावीर ने हिंसा को अहिंसा से जीता है। उनका यह सूत्र मानव कल्याण के लिए अति उत्तम है। तप, संयम और चरित्र मानव मन के बस की बात नहीं है। जिस महावीर की ये देवता प्रशंसा करते हुए नहीं थकते,
मैं उसके तप संयम और चरित्र को भंग करूंगा, जरूर भंग करूंगा। से प्रास्त होकर जा रहा हूं, इतने कष्ट दिए मैंने आपको लेकिन जरा भी विचलित ना कर सका। कष्टों को सहते हुए आपने उफ तक ना की। अब जबकि आप विजयी हुए हैं, आपकी आंखों में आंसू, ऐसा क्यों है प्रभु, ऐसा क्यों है? हे देव, मैं कष्टों से नहीं घबराता और ये आंसू मेरी वेदना के भी नहीं है। मैं सोचता हूं तू 6 मास तक कर्म बंधन करता रहा, इन कर्मों का जब उदय होगा तब तू जो कष्ट भोगेगा उसका ध्यान आते ही हृदय में करुणा उमड़ आई। ये हाथों तो उसी करुणा के हैं। प्रभु, मैंने अक्षम्य अपराध किया है, मुझ पर दया कीजिए भगवान, मुझ पर दया कीजिए। मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं? वर्धमान जी कुशंभी नगरी के भाग्य की परीक्षा ले रहे हैं, उनके आने से तो यह धरती पवित्र हो गई। उनका यहां पधारना हमारे सत्कर्मों के उदय का सूचक है। निस्संदेह महाराज, आपका यह वक्तव्य साधु महाराज के प्रति श्रद्धा और निष्ठा का सूचक है। मंत्री जी, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके सफल होने में आपको इतना संदेह है? महाराज, साधु महाराज के अभिग्रह में 13 बोलों का समावेश है। आहार पानी किसी राजकन्या के हाथ से लूंगा, वह राजकन्या बेची हुई होनी चाहिए, पैरों में उसके बेड़ियां पड़ी हो, हाथों में हथकड़ियां हो, सिर मुंडा हो, कांचड़ा लगा हुआ हो, 3 दिन की समस्या से युक्त हो, उसके हाथों में उड़द के बांकले हो, बांकले एक छाछ में भरे होने चाहिए। उस समय राजकन्या छाछ को लिए दहलीज में खड़ी हो, 1 पांव दहलीज के बाहर और दूसरा पांव दहलीज के अंदर हो, उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हो और होठों पर मुस्कान भी हो, हे देवो, जैसे जैसे प्रभु के केवल ज्ञान प्राप्त करने का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे प्रभु के तप और व्रत और कठोर होते जा रहे हैं। कुशंभी नगरी में प्रवास करते हुए उन्हें 6 मास हो गए हैं, लेकिन 13 भाव का अभिग्रह पूर्ण ना होते हुए उन्होंने इतने समय से कुछ भी ग्रहण नहीं किया है।
देव श्रेष्ठ, इतने वर्ष तप करते हुए प्रभु ने इतना कठिन अभिग्रह कभी नहीं किया। अवधि ज्ञान से जानकर आप देवेंत्रों से आग्रह कीजिए कि कैसे और कब इस कठिन अभिग्रह को पूर्ण करना है। हे देव, प्रभु का यह व्रत कैसे पूर्ण होगा, ये मेरे ज्ञान क्षेत्र में भी नहीं है। किस भाव में, किन कर्मों के उदय होने से यह व्रत पूर्ण होगा, कौन इस पुण्य का भागी होगा, मैं कुछ नहीं जानता। भगवान के लिए मुझ पर दया कीजिए। मुझे तो भाग्य ने पहले ही इतना सताया है। मुझे अगला पर रहम कीजिए। रहम करूँ? मुझ पर रहम? जो चली आई मेरा घर उजाड़ने। कैसे मेरे पति को अपने मोह पाश में बांध लिया, जो तुझे मेरी सौतन बनाने घर पे ले आया। सौतन बनेगी मेरी क्या कलमूल? नहीं, आपने इतना सोचा है? आपके पति को मुझे इस घर की नौकरानी बनाकर लाए हैं। अच्छा, मैं झूठ नहीं बोल रही। तू झूठी, तेरी कहानी भी झूठी। कैसी तू राजा की बेटी है? बड़ी आई। नहीं सेठानी जी, ऐसा मत कीजिए। सेठ जी को आने दीजिए, फिर आप जैसे कहूँगी वैसा ही करूँगी। तुझे उनके आने तक ना तो मैं यहाँ रहूंगी और ना ही तुझे इस हालत में रहने दूंगी। मेरी बला से छोड़ दू, मैं तेरी ऐसी दुर्दशा करूंगी। अरे बिरजू, जल्दी से जा, किसी नाई को बुला कर ला, जल्दी जा। और सुन, मुझे पीहर जाना है ना, एक बड़ा गाड़ी भी लेवा लेना। इतनी जरूर मत बनिए। अच्छा, आप ही तो एक नारी है, मुझे बात बता। नारी के साथ ऐसा व्यवहार करना आपको शोभा देता है क्या? तेरे को शोभा देता था क्या, जिस विवाहित मर्द को अपने रूप जाल में फंसाया? मेरा माथा तो उसी दिन ठनका था जिस दिन अपने पति को तेरी जुल्फ सुहाते हुए देखा था। नहीं नहीं, मैं तो उनके पांव धुला रही थी। अच्छा, बालों की लेट आ गया थी और उन्होंने उसे हटा दिया। जूठी मकार, अब तो मैं तेरा चंदा ही खत्म कर दूंगी। तेरा सिर मुंडवा के काली पोटली में भिजवा दूंगी। नहीं आ गया मालकिन। नहीं नहीं नहीं, कब भेजोगे? बिना बताए, बिना किसी प्रयोजन के। जी चार दिन हो गए, वो मुझे कह रही थी तुम भी चले जाओ। तू क्यों नहीं चला गया उसके साथ? चंद्रबाला कैसे स्थिति बताए बगैर कैसे चला जाता। मालकिन ने उसे बेड़ियों से बांधकर कोठरी में फिकवा दिया है और बेड़ियां भी ऐसे कसकर डाली हैं कि लोहार के काटने से ही खुल सकती हैं। इतने दिनों की भूखी प्यासी भगवान जाने किस हाल में होगी वो। बुला, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। बिरजू, जा कुर्सी से जाकर चंद्रबाला को ले आ और रसोई में जाकर देख कुछ बना है तो इसे खाने के लिए लाके दे। मैं लोहार के पास जाता हूँ, ना जाने भगवान मुझे इस पाप की क्या सजा देंगे। दिनों से मैंने आहार नहीं लिया। यदि इस समय कोई भिक्षुक आ जाए तो उसे भिक्षा देकर ही खाऊंगी, यही ठीक रहेगा। मैं बाहर देखती हूँ। इसकी आंखों में आंसू नहीं है, मेरा अभिग्रह यहाँ पूर्ण नहीं। प्रभु को मेरा आग्रह स्वीकार नहीं, तभी तो वो वापस जा रहे हैं। कैसा दुर्भाग्य है मेरा। Thank you.
मैं धन्य हो गई प्रभु, धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई प्रभु, धन्य हो गई। अजी महानुभाव, आपने मेरी गौओं को देखा है? बता सकते हैं आप? बोलेंगे का? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपने मेरी गौओं को देखा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने मेरी गौओं को देखा है? अरे सुनाई नहीं देता कि मैं क्या पूछ रहा हूं? अबे सुनाई नहीं देता कि मैं क्या पूछ रहा हूं? बहरा क्या तू मुझे बताए ना बताए, लेकिन मैं तुझे जरूर बताऊंगा कि कान होते हुए भी ना सुनने वाले के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। हाँ अभी बताता हूं तेरे को। क्या? हाँ ये ठीक है, अभी ठीक होगा, अभी बताएगा तू। कैसे नहीं बताता देखता हूं अभी मैं। सो गए थे तो हमारी आज्ञा अनुसार संगीत बंद क्यों नहीं करवाया? चमक कीजिए महाराज, संगीत तो मुक्त हो गया था महाराज। चमक कीजिए महाराज, भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा महाराज, भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। भविष्य में ऐसा करने योग्य रहोगे तब ना, सुबह होते ही तुम्हारे कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाए। नहीं महाराज नहीं। तू कुछ भी संदेह योग्य नहीं रहेगा। वैद्यराज, मुझे पूरी तरह से याद है, उन्हें मैं यहीं कहीं छोड़कर गया था, अवश्य ही यहीं कहीं होंगे। आप कह रहे थे कि आपने उनके कानों में लकड़ी की गुल्लियां घुसी देखी थी? हाँ वैद्यराज, मैंने अपनी आंखों से उन्हें देखा। और उनके चेहरे पर पीड़ा का कोई भाव नहीं था? धीराज, ऐसा तो कुछ नहीं था। गुरुदेव, ये कैसे संभव हो सकता है? ऐसी अवस्था में तो उन्हें असह पीड़ा का आभास होना चाहिए था, उनकी शल्य चिकित्सा होनी चाहिए। चलिए शीघ्र उन्हें ढूंढते हैं। वैसे रुक रुको, वो देखिए सामने, शीघ्र आइए। देखिए गैलसी, किस तरह इनके कानों में गुल्लियां घसेड़ दी गई हैं। कृपया जल्दी से इनका कुछ इलाज कीजिए। कैसी निर्ममता है, हे भगवान, कैसी निर्दयता है। रंग जी, जरा मेरी पोटली दीजिए। जरा गिल्ली पकड़ कर खींचिए, धीरे से। प्रभु ने भूलोक पर गुजरते हुए अनुपम मोक्ष मार्ग से आत्मा का ध्यान करते हुए 12 बरस 6 मास और 14 दिन का समय तप में बिताया है। इतने समय में मात्र 349 दिन आहार का सेवन किया है। अब समय आ गया है कि उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो, अतः वो इंसान से भगवान बन जाए। प्रभु महावीर जिन तूने लगाई
द्वेष रूपी शत्रुओं को पूर्णतः जीतने वाले पूर्ण वीतरागी सर्वज्ञ प्रभु महावीर को हमारा वंदन। प्रभु, तीनों लोक में पूर्णतः ज्ञान अर्जित करने पर आप श्री की जय जयकार हो रही है। आप श्री की मधुर वाणी का रसपान करने के लिए देवलोक क्या, मानव लोक क्या, हर कोई अति उत्सुक हो रहा है। प्रभु, इसके लिए देव कुबेर ने आप श्री की दिव्य वाणी के श्रवण तथा दर्शनों के लिए संवत्सर की रचना की है। प्रभु, संपूर्ण मानव जगत और दूर समूह आपकी राह देख रहा है। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। मेरे घर में इतने बड़े यज्ञ को होते देख देवता लोग भी हर्षित हो रहे हैं, तभी तो आकाश मार्ग से मेरे घर की तरफ आ रहे हैं। स्वाहा। मैंने तो सोचा ये इसी तरफ आ रहे हैं, मगर ये तो कहीं और ही मुड़ गए। क्या इतने बड़े बड़े विद्वान पंडितों के अतिरिक्त इस धरती पर कोई और भी विद्वान है जिसकी तरफ ये खींचे चले जा रहे हैं? नहीं सौमिल, इस धरा पर हमसे विद्वान और कोई नहीं हो सकता। चारों वेदों का ज्ञाता हूं मैं, सभी पौराणिक शास्त्रों का अध्ययन किया है मैंने, कंठस्थ किया है मैंने, कोई नहीं जो मेरे ज्ञान के सामने, मेरी विद्वत्ता के सामने ठहर सके। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। मेरा तो जन्म सफल हो गया प्रभु के साक्षात दर्शन करने से, मैं तो धन्य हो गया गुरुदेव। मेरा पूर्व जन्म के पुण्य से जो सर्वज्ञ प्रभु महावीर की धर्म सभा में जाना हुआ। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, इस नाम का कोई पुरुष इस धरती पर नहीं हो सकता। यदि कोई है तो अवश्य वह कोई मायावी या धूर्त है। नहीं गुरुदेव, मैंने स्वयं इन आंखों से उन सर्वज्ञ के प्रभु के साक्षात दर्शन किए हैं। झूठ बोलता है वो जो अपने आप को सर्वज्ञ समझता है। मेरे सामने उसका ढोंग भरे का थर रह जाएगा। चलो मेरे साथ, मैं देखता हूं सर्वज्ञ को। देखना, मेरी ज्ञान चर्चा के आगे वो पल भी झाड़ नहीं पाएगा। चलो। अप्पा सो पर अप्पा, आत्मा ही परम आत्मा है। वस्तु का अपने स्वभाव में होना ही धर्म है। आत्मा अनंत ज्ञान और सुखमय है, और सुख कहीं बाहर से नहीं आता। सब जीव अपनी भूल से ही दुखी है, अपनी भूल सुधार कर सब सुखी हो सकते हैं। अपने आप को ना पहचानना सबसे बड़ी भूल है। पैदा होना, नाश होना और अपने गुणों में बने रहना परिवर्तन ही अणु का नियम। भगवान कोई अलग नहीं होते, सही दिशा में पुरुषार्थ करके प्रत्येक जीव भगवान बन सकता है। स्वयं को जानो, पहचानो, स्वयं को समझा के भगवान बन जाओगे। भगवान जगत का कर्ता हर्ता नहीं है,
वह तो जगत ज्ञाता दृष्टा होता है, जो समस्त जगत को जानकर उससे पूर्ण अलिप्त वीतराग रह सके वही भगवान है। किसी ने बता दिया, मेरा नाम तो बच्चा बड़ा जानता है। इतनी सर्वज्ञता तो तब मानू जब मेरे मनोभाव को प्रकट करे। इसी विषय में आपका हृदय संशय से भरा हुआ है पंडित जी। वेदों के अर्थ आप भली भांति समझे नहीं है। हे इंद्रभूति, जो जानता है और देखता है वही जीव है। शरीर तो केवल वस्त्र है, जैसे दूध में घी, तिल में तेल तथा पुष्प में सुगंधी है, उसी प्रकार शरीर में आत्मा का वास है। आत्मा शरीर से अलग है, ज्ञान रूपी दिव्य चक्षुओं से देखने वाले जानते हैं कि यह जीव प्रत्यक्ष है। जैसे समय पाकर वृक्ष के पत्ते पीले पड़कर गिर जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्यों का जीवन है। गौतम धर्म का पालन करने में एक पल का भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। मनुष्य का जीवन घास के अग्रभाग पर पड़े ओस की भांति अलपकालिक है। इसलिए गौतम, क्षण भर के लिए भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रभु, मुझे अपनी विद्वत्ता पर अभिमान था। मैं तो आपकी सर्वज्ञता की परीक्षा लेने आया था, मगर मुझे क्षमा दान दीजिए प्रभु। गौतम, आज तक तूने ज्ञान और आनंद की खोज पर में की है। इस खोज में इतना व्यस्त रहा है तू कि मैं कौन हूं, क्या हूं, जानने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। मेरी तरफ क्या देख रहे हो, अपनी ओर देखो। इसी जिज्ञासा से एक तरफ अपनी ओर देखो, जानने लायक, देखने लायक एकमात्र आत्मा ही है। अपना तो आत्मा ही है, इसे शब्दों से या वाणी से बताया नहीं जा सकता। यह मात्र जानने की वस्तु है, अनुभव की वस्तु है। समस्त विकारी अविकारी भावों से दृष्टियां हटाकर एक बार अंतर में देख, देख अंतर में, देख गौतम अंतर में, देख देख गौतम अपने अंतर में, देख देख गौतम अपने
अपने अंतर में देख। परमवीत राग ज्ञान के धनी तीर्थंकर प्रभु भगवान महावीर आप महान हैं। हे जिन्नेश्वर आपकी महानता बाह्य वैभव से नहीं है, वो तो आपका है भी नहीं, उसे तो आप पहले ही त्याग चुके हैं। आपकी महानता तो अंतरंग वैभव से है, आपकी महानता आपकी सर्वज्ञता से है, परम वीतराग भाव से है। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु, मेरा ये मानव जीवन सार्थक हो गया है प्रभु। मैंने आपको ही नहीं नाथ, अपने आप को भी पा लिया है प्रभु। मुझे अपनी शरण में दीक्षित होने का सुअवसर दीजिए प्रभु, मुझे अपनी शरण में दीक्षित होने का सुअवसर दीजिए प्रभु, अवसर दीजिए। गौतम तुम हमारे प्रथम गंधर्व के रूप में जाने जाओगे। मैं धन्य हो गया भगवान, मैं धन्य हो गया प्रभु। महावीर की दिव्य वाणी का रसपान करते हुए सकल मानव जगत उनकी जश और कीर्ति का गुणगान कर रहे हैं। संवत्सरण में प्रभु के दर्शन कर क्या देव क्या मानव सभी ने अपना जीवन सफल कर लिया। हाँ देव, प्रभु के प्रेम सागर की कोई था नहीं। इंद्रभूति गौतम के साथ साथ अग्निभूति वायुभूति समेत 11 लोगों को गंधर्व की उपाधि से विभूषित किया गया है। प्रभु की दिव्य ध्वनि से सकल दिशाएं गूंज रही हैं। श्रैणिक, आपका श्रावक धर्म अनन्य है, जिस मनोरथ को लेकर प्रभु ने साधु साध्वी श्रावक श्राविका के रूप में चतुर्भुज संघ की स्थापना की थी, वो मनोरथ पूर्णतया सफल हो रहा है। आप लोगों के सामूहिक प्रयास से और प्रभु के अलौकिक उपदेशों की दिव्य सरिता के बहते हुए ये समुदाय बहुत बड़ा हो चुका है, जिसमें 14,000 साधु 36,000 साधुनियां 1,00,000 श्रावक और 3,00,000 श्राविकाएं हैं। महाराज, प्रभु के पावन चरणों से सकल धरा पवित्र हो गई है। इस धरती पर रहने वाला हर प्राणी प्रभु की स्तुति करता है, उनके दर्शन मात्र से जन जन ने अपना जीवन सफल किया है। वीतराग सर्वज्ञ प्रभु महावीर, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। सुदर्शन बेटा, क्यों जिद कर रहे हो तुम है? मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं जो कह रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ, और तुम मूर्खता कर रहे हो। वैसे भी अर्जुन वाली ने उस क्षेत्र में पूरा आतंक मचा रखा है। क्या तुम महावीर जी के दर्शन करना चाहते हो? भाई अर्जुन वाली क्या तुम्हें जिंदा छोड़ेगा? पिताजी, सच्ची भक्ति की परीक्षा भी तो संकट काल में ही होती है, और फिर आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। हमारा ये शरीर, इसने कभी ना कभी तो नष्ट होना ही है, इसकी क्या चिंता करना। पिताजी, मैंने प्रभु दर्शन का संकल्प लिया है और मैं ये संकल्प हर हाल में पूरा करके रहूंगा। आप कृपया मुझे रोकने का प्रयत्न ना करें। प्रभु दर्शन को अब बहुत देर नहीं लगेगी, बस कुछ ही देर में मेरी आंखें प्रभु दर्शन पाकर तृप्त हो जाएंगे। कैसे दिखते होंगे प्रभु? जैसे मेरे मन मंदिर में बसे हैं वैसे ही होंगे। कितनी ही बार ध्यान में मैंने उनका मुख चंद्र स्पष्ट देखा है, देख लेना बिल्कुल वैसी सूरत होगी, वैसी ही सूरत।
बातों और एक औरत की कई मिलता हूँ प्रतिदिन, बदला लूंगा इस नगरी से अब मैं चुन चुन कर। ना कोई रोक सका है मुझको, ना कोई मुझको रोक पाएगा। बहुत सताया है मुझको इन सब ने, अब मैं इन्हें सताऊंगा। ठहर जाओ यहीं, जरा भी हिला तो वक्त से पहले मारा जाएगा। शेर की बांध में घुसाया बछड़ा अब कैसे बच पाएगा? पहले का तू शीश या हाथ, ये तू ही मुझे बताएगा। निपटा दूंगा मैं खटका। गर्दन को दूंगा एक झटका। उठो भाई, उठो। आप कौन है भाई? सच सच बताइए, आप कौन है? आप कहां से आए हैं? आपके कारण मेरे अंदर का यक्ष मुझे मुक्त कर गया। कौन है आप? भाई, मैं राजगृह का सेठ सुदर्शन हूं और प्रभु के दर्शन और वंदन के लिए जा रहा हूं। भाई, क्या मैं भी प्रभु के दर्शन कर सकता हूं? भाई, 6 माह पहले उद्यान में 6 लोगों ने मेरी पत्नी के साथ बलात्कार किया था। अवेश में आकर मैंने सभी की हत्या कर दी। तब से लेकर मैं प्रतिदिन ये हत्या करता रहा। मैंने बहुत से पाप किए, बहुत सी हत्याएं की है मैंने। भाई, क्या प्रभु भी मेरा उद्धार कर सकते हैं? हाँ भाई, निसंदेह। उठो, आप भी मेरे साथ प्रभु के दर्शन के लिए चल सकते हैं। प्रभु आपका भी उद्धार करेंगे। आओ चलो। आनंदम आनंदम, जय गुरु गोशालक। आज तो लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा है। मुचंदर को आने दो, उसे भी ये समाचार सुनाते हैं। लो भाई, वो भी आ गया। अरे आओ मुचंदर, हम तो मालामाल हो गए। अरे भाई, मालामाल तो मैं भी हो गया हूँ। सर्वज्ञ प्रभु महावीर के दर्शन करके आ रहा हूँ। मात्र एक झलक पाकर ही मैं तो भीतर तक मालामाल हो गया हूँ। हाँ भाई, कौशालक का नियतिवाद सिद्धांत अब मुझे निर्मूल दिखाई देता है। अपने निमित्त ज्ञान के शास्त्र द्वारा ही उसने हमारे द्वारा कितने लोगों को लूटा है, कितनों को ठगा है। जबकि प्रभु महावीर ने अर्जुन माली जैसे हत्यारे पापी को भी दीक्षा देकर उसका उद्धार किया है। इस पाप मार्ग को छोड़कर
आप भी मेरे साथ चलो। मुझे यकीन है कि प्रभु हमें दीक्षा देकर हमारा भी उद्धार करेंगे। तुम जाओ महावीर जी के पास, हम तो चले अपने गुरु गौशालक के पास। कौन सर्वज्ञ, कौन भीतवाक, अक्षम्य अपराधी है वो जो मेरे होते हुए खुद को सर्वज्ञ समझता है। मैंने कठिन तप करके असीम शक्तियों को अपना सेवक बना लिया है और अपने निमित ज्ञान से हजारों सेवकों के दुख और कष्टों का व्याख्यान किया है। कौन है वो, कौन है जो मेरे होते हुए लोगों को पथ भ्रष्ट कर रहा है? गुरुदेव, लोग उन्हें प्रभु महावीर, प्रभु वर्धमान, अरिहंत, भगवंत और ना जाने कितने ही नामों से बुलाकर उनकी जय जयकार कर रहे हैं और उनका गुणगान कर रहे हैं। प्रभु वर्धमान, प्रभु महावीर, भगवान कहो। भगवान मेरे मन में एक शंका है। बोलो। प्रभु ये कैसे संभव हो सकता है कि गोशालक दिलदेव या सर्वज्ञ हो गया हो? वो तो केवल ज्ञानी भी नहीं है, अपने आप को सर्वज्ञ बताकर उन लोगों को पथभ्रष्ट कर रहा है। गौतम, गोशालक तो अचिन्ह है, भला मैं अपने आप को सर्वज्ञ कैसे कह सकता है? हाँ, उसके पास तेजोलक्षण जरूर है। बहुत समय पहले वो मेरे से ही दीक्षित हुआ था, कुछ देर मेरे साथ रहकर बाद में अलग हो गया था। गौतम, गोशालक अपने पूर्वकृत कर्मों और स्वभाव के कारण लाचार है, उसके पास अष्टांग निमित्त ज्ञान है जिससे वो चारों ओर प्रसिद्ध है। वो कुछ भी हो, अरिहंत कभी नहीं हो सकता। ए साधु, रुक जाओ। क्यों भाई, हमारा मार्ग क्यों रोक रहे हैं आप? क्या हमसे कोई भूल हुई है? अभी मालूम हो जाएगा, हमारे गुरु की निंदा की है तुम्हारे गुरु ने। ए मुनि, चाहूं तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूं और तेरे गुरु को बता दूं कि मेरी निंदा करने पर कितनी भयानक सजा मिल सकती है। कह देना उससे, अगर उसने बैर विरोध करने की ठान ही रखी है तो अब इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। जाओ यहां से, जाओ। प्रभु, गोशालक ने कहा है कि वो आपको और पूरे साधु समुदाय को तेजोलेशिया से भस्म कर देगा। क्या उस गोशालक के पास ऐसी शक्ति है जो अरिहंतों को भस्म कर दे? आनंद, अरिहंतों को छोड़कर शेष सभी पर तेजोलेशा प्रभावी हो सकती है। गोशालक के पूर्व कृत कर्म उदय होकर उग्र हो चुके हैं और वह कुछ भी कर सकता है। अच्छा होगा कोई भी पुनः उसे व्यर्थ का बात विवाद ना करे। हे काश्यप, कभी आप मुझे अजिन्न कहते हो और कभी अपना शिष्य कहकर पुकारते हो। एक तरफ तो आप सर्वज्ञ बनते हो और दूसरी तरफ अपनी जुबान पलटने में एक क्षण लगाते हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो आप मुस्कुरा रहे हैं।
आज मैं आपका यही भ्रम दूर करने आया हूँ। आप पथभ्रष्ट हो चुके हैं, पथभ्रष्ट। मानता हूँ कि कोई गोशालक आपका शिष्य रहा होगा, वो किसी दूसरे कुल में जन्मा होगा, उसकी मृत्यु हो चुकी है। मैं तो उदयमुनि हूँ, आपका शिष्य कैसे हो सकता हूँ? गोशालक, मिथ्यालाप करके क्यों अपनी आत्मा का हनन कर रहे हो? मुझसे तुम्हारी कोई भी बात छिपी नहीं। काश्यप, क्यों अपने काल को आवाज दे रहे हो? अपना मुंह बंद रखिए, अन्यथा अभी नष्ट हो जाओगे। गोशालक, नीच से नीच प्राणी भी अपने साथ हुए उपकारों को ऐसे नहीं भूलते जिस तरह तुम भूल रहे हो। जिस प्रभु ने तुम्हें दीक्षा दी है उन्हीं के लिए ऐसे तिरस्कार पूर्ण वचन कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? ऐसा हूँ, अभी बताता हूँ कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। गोशालक, मुझे भी मरना है। यद्यपि मेरी शक्ति आप पर असफल रही है, लेकिन आप इससे बच नहीं सकते। आज या कल आप इसी से प्रभावी हो गए। कौशालक, क्यों व्यर्थ में कर्मों का बंध करके अपने आप को नरकामी बना रहे हो? मेरी आत्मा आज अरिहंत अवस्था का भोग कर रही है। 16 वर्ष तक मैं इसी अवस्था में विहार करूंगा, मगर तेजोलेशिया से उत्पन्न पित ज्वर आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अपनी दुर्भावनाओं का क्षमन करो ताकि तेरा अंत सुधर सके। मैंने अपनी आत्मा को धोखा दिया है। आपके सिद्धांतों को तो मैंने खुद माना और न किसी को मानने दिया है। क्षमा करना प्रभु, मैं ही गोशालक हूं, आपका शिष्य। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई। भगवान, मेरी आत्मा का कल्याण कीजिए प्रभु, मेरी आत्मा का कल्याण कीजिए भगवान, मेरी आत्मा का कल्याण कीजिए मेरे भगवान, मेरी आत्मा का कल्याण कीजिए। बात करना चाह रहे हो? हाँ प्रभु, राविनी थे आपको वंदना भी नहीं की। गौतम, मैं अभी इस शो के नहीं बन सका है, उसके पास जाइए, उसे प्रतिबोध की आवश्यकता है, वो कुछ जानना चाहता है, उसके पास जाइए। बंधु, क्या नाम है तुम्हारा? जी धन्ना। साधु महाराज, क्या आ गया है? कुछ नहीं, तुम कुछ सोच रहे थे ना? क्या सोच रहे थे धन्ना? महाराज, विश्व में हर कोई एक दूसरे को निगल रहा है, किसी का अस्तित्व हो जाता है तो किसी का बन जाता है,
सोन नदी का पानी गंगा में मिल जाता है और गंगा समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है। समुद्र में इतना पानी जमा होकर जाता कहां है? सूर्य की गर्मी पानी को सुखाकर वाष्प बनाती है। समुद्र में उतना ही पानी रहता है जितना होना चाहिए। अन्ना, हमारा जीवन भी एक समुद्र है जिसमें प्रतिदिन पाप और पुण्य का पानी समाता रहता है। अच्छा महाराज, इस पाप और पुण्य के पानी को कैसे सुखाया जाता है? अन्ना, तपस्या की गर्मी ही इस पानी को सुखा सकती है। तपस्या? ये कहां मिलती है महाराज? अन्ना, तपस्या कहीं मिलती नहीं, उसे किया जाता है। अभी अभी तुम्हारे पास से भगवान महावीर जी गए हैं, जानते हो वही सबको तपस्या करनी सिखाते हैं और इस संसार सागर से पार उतारते हैं। महाराज, मुझे भी उनसे जरूर मिलवाइए, शायद मेरा भी कल्याण हो जाए। आओ। धन्ना, यही भगवान महावीर हैं, इन्हें प्रणाम करो। क्या सोच रहे हो धन्ना? यही तो है, तो तुम्हें तपस्या करनी सिखाएंगे। ये मुझे तपस्या करनी सिखाएंगे? ये इस लायक नहीं है, तुम बैठो उनके पास, मैं जा रहा हूं अपने गांव। धन्ना, प्रभु गौतम, धन्ना का क्रोध मुझ पर है, मुझे देखते ही वो आवेश में आ गया, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। ये कैसे हो सकता है प्रभु? गौतम, इसके क्रोध में सच्चाई है। कुछ पाप पहले जब मैं एक राजा का पुत्र था तो यह धन्ना एक सिंह था। धान के खेतों को बचाते हुए मैंने इसके जबड़े को चीरकर मार दिया था, क्योंकि धन्ना के शरीर में वही सिंह का जीव है, इसलिए मुझे देखते ही इसके मन में प्रतिशोध जाग उठा। मगर यहां के तपोमय वातावरण में फलीभूत ना हो सका। गौतम, अब भाव हिंसा के द्वारा धन्ना मुझसे बदला ले चुका है और शुद्ध हो गया है। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं जाने में ना जाने आपको क्या कुछ कह गया, मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए प्रभु, मुझे बचा लीजिए। धन्ना, तुम्हारे भाग्य में उस महातत्व को प्राप्त करना लिखा है जिसे सब साधु प्राप्त नहीं कर सकते, तुम्हारा कल्याण होगा। अहिंसा परमो धर्म है, यानी अहिंसा ही परम धर्म है। लेकिन अहिंसा है क्या? साधारण भाषा में इसका अर्थ है हिंसा ना करना, दूसरे जीव को मारना सताना हिंसा है और बचाना अहिंसा। हिंसा और अहिंसा का संबंध सीधा आत्म परिणामों से है, दोनों ही आत्मा के विकारी अविकारी परिणाम है। जड़ में उनका जन्म नहीं होता। यदि कोई पत्थर किसी प्राणी पर गिरे और वो प्राणी मर जाए तो पत्थर को हिंसा नहीं होती, लेकिन कोई प्राणी किसी को मारने का विकल्प करे तो उससे हिंसा अवश्य होगी, चाहे वह प्राणी मरे या ना मरे। हिंसा
हिंसा और अहिंसा का वास्तविक स्वरूप क्या है, यह एक स्वच्छंद विचारणीय वस्तु है। राग द्वेष मोह भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है और इन्हें मानना महाहिंसा। राग आदि भावों की उत्पत्ति नहीं होना परम अहिंसा है और राग आदि भावों को धर्म नहीं मानना ही अहिंसा की परमोच्च अवस्था है। मेरी एक शंका का समाधान कीजिए। आपके आश्रय में कितने ही मुनि केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, मुझ द्वारा दीक्षित कितने ही मुनि केवल ही हो चुके हैं, मगर चाहते हो बोलो गौतम, चुप क्यों हो गए? प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले मुनियों का रास्ता इतना छोटा और मेरा रास्ता इतना लंबा क्यों? प्रभु क्या कह रहे हो गौतम? भगवान आत्मविश्लेषण कर रहा हूं। गौतम मेरे दर्शन में त्रुटियां दिखाई दे रही हैं या अपनी गति में? भगवान दूसरों के दोष देखने की आपकी आज्ञा नहीं है, इसलिए अपनी ही गति का विश्लेषण कर रहा हूं। गौतम तुम जानते हो कि हर व्यक्ति अज्ञान और मोह के महासागर के तट पर खड़ा है। जानता हूं भगवान, तुमने उस सागर को पार करने का दृढ़ संकल्प लिया है, यह भी तुम्हें याद होगा। याद है भगवान। फिर उलझन क्या है गौतम? तुम उस महासागर को पार कर चुके हो, अब तट पर आकर तुम्हारे पांव क्यों कांप रहे हैं? पार उतरने की कोशिश करो, पल भर का भी प्रमाद मत करो। गौतम तुम चिरकाल से मेरे साथ हो, स्नेह सूत्र में बंधे हो, चिरकाल से मुझसे परिचित हो, चिरकाल से मेरे प्रशंसक हो, मुझे प्रेम करते रहे हो, चिरकाल से तुमने मेरा साथ दिया है। पिछले भव में जब मैं देव था तब भी तुम मेरे साथ थे। मेरा तुम्हारा संबंध बहुत पुराना है, इस देह मुक्ति के बाद भी हम दोनों तुल्य होंगे, हम दोनों में पूर्ण साम्य होगा, पृथकता नहीं होगी। यह सब थोड़े ही समय में होने वाला है, तुम पल भर का भी प्रमाद मत करो। लेकिन प्रभु चेतना और विकास का पथ इतना लंबा और इतना छोटा क्यों होता है? मैं समझ गया गौतम, नवदीक्षित मुनियों का पथ छोटा नहीं है, वो बहुत तेज गति से चले, उन्होंने स्नेह सूत्रों को तेजी से तोड़कर अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तुम अभी तक स्नेह सूत्र नहीं तोड़ पाए हो,
तुम्हारे स्नेह का धागा मेरे शरीर में उलझा हुआ है। एक क्षण ऐसा आएगा जब तुम भी इस बंधन को तोड़कर अपने भीतर प्रकाश ही प्रकाश पाओगे। इस संसार में प्राणी मात्र को मनुष्य जन्म, धर्म का श्रवण, सम्यक श्रद्धा और संयम चरित्र में परवृत्ति, यह चार उत्तम अंगों की प्राप्ति होना अत्यंत दुर्लभ है। ज्ञान से पदार्थों का सम्यक बोध होता है, दर्शन से श्रद्धा होती है, चरित्र से कर्मों का निरोध होता है और तप से आत्मा निर्मल होता है। ज्ञान के समग्र प्रकाश से अज्ञान और मोह के विसर्जन से और राग द्वेष के क्षय से आत्मा एकांत सुख स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करता है। लोक पर आज कार्तिक कृष्ण अमावस्या का दिन है। लगता है प्रभु का निर्वाण समय अत्यंत निकट आ गया है। चौथे आर्य की समाप्ति में केवल 3 बरस और 8.5 मास का समय ही बाकी रह गया है। स्वाति नक्षत्र चल रहा है और साथ ही भस्म ग्रह का योग भी होने वाला है। हे देवो, शीघ्र पृथ्वी लोक की तरफ प्रस्थान करता हूं और प्रभु से कुछ देर और धरती पर रहने की प्रार्थना करता हूं। क्षण भर का भी प्रमाद मत करो, इसका क्या रहस्य है, इसका दर्शन क्या है, क्या प्रमाद का फल इतना भयानक होता है? गौतम, तुमने दीप देखा है? हां प्रभु, देखा है। जब दीप जलता है तब क्या होता है? अंधकार दूर हो जाता है प्रभु, चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। प्रकाश कब तक बना रहता है? जब तक दीप चलता है प्रभु तब तक। दीप बुझाने पर चारों ओर अंधकार छा जाता है ना गौतम? क्या यह पल भर में हो जाता है? प्रभु, दीप का बुझना और अंधकार का होना एक ही घटना है, इसमें अंतराल नहीं है प्रभु। यही तो मैं भी कहता हूं। जागरण का दीप जिस क्षण बुझता है उसी क्षण चित्त भूमि में अंधकार छा जाता है, और जब जागरण का दीप जलता है अंधकार प्रकाश में बदल जाता है। गौतम, इसी प्रकार प्रमाद के क्षण में मनुष्य का चित अंधकार से ढक जाता है, पाप के संस्कार प्रबल होकर पुण्य के परमाणुओं को पाप में बदल डालते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह प्रमाद की ज्योति को अखंड रहने दिया जाना चाहिए। प्रभु, इस बारे में मेरे मन में कोई संशय बाकी नहीं बचा है। गौतम, पास के गांव में एक ब्राह्मण देवशर्मा रहता है।
काफी अच्छा लगता है। अच्छा हो तुम स्वयं वहां चले जाओ और उसे प्रतिबोधित करो। जैसी आज्ञा प्रभु, मैं अभी चलने की तैयारी करता हूं। प्रभु आपकी गर्भावस्था, जन्म धारण, दीक्षा व्रत और केवल ज्ञान अवस्था, इन सभी में हस्तोत्रा करना पड़ा था, लेकिन प्रभु इसी स्थान पर अब भस्मकारी ग्रह का योग बन गया है प्रभु, जो कि आने वाले 2000 साल तक आपके भावी अनुयायियों साधु साध्वी के लिए संकट पैदा करता रहेगा। प्रभु हे प्रभु, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप एक क्षण बार अपनी आयु बढ़ा लें, जिससे आपके जीवित होने पर आपके जन्म नक्षत्र में संक्रमित यह ग्रह आपके शासन को कोई कष्ट न पहुंचा सकेगा। प्रभु प्रभु हे प्रभु, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। यह केवल तुम्हारा मोह मात्र है, जीवन आयु कर्म के अधीन है, कर्मों के अतिरिक्त इसे बढ़ाने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं। कोई चाहे कितना भी बढ़ा क्यों ना हो, आयु को नहीं बढ़ा सकता। 5वें आरे से ही श्रावक श्राविका साधु साध्वी तीर्थ को बाधा होने वाली है, उसी होने के कारण ऐसे ग्रह का उदय हुआ है। होने को कोई नहीं टाल सकता। क्या बात है भाई, भीड़ क्यों? बताइए बंधु, क्या हो गया है? आप चुप क्यों हैं? बोलते क्यों नहीं? हमारे प्रभु हमसे रूठ गए हैं। छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। भगवान, मैं तो गुरु भवभयत्राता और ज्ञान विधाता सब कुछ आपको ही समझ रखा था। हे प्रभु, यदि आपने निर्वाण पर पढ़ना ही था तो क्या मेरे सामने ऐसा नहीं हो सकता था? क्या मेरे रहते इसमें कोई बाधा पहुंचती? भगवान, आज से मिथ्या स्वरूप अंधकार फैलेगा, वैरादि राक्षसों का प्रचार होगा। प्रभु, आपके बिना आज भारतवर्ष दीपक विहीन भवन के समान शोभा रहित हो गया है। अब किसे प्रभु प्रभु कहकर बुलाऊंगा? कौन मुझे हे गौतम कहकर पुकारेगा? ये आपने क्या किया?
कैसे समय मुझे अपने से दूर कर दिया। प्रभु क्या मैं भालक के समान आपका पल्ला पकड़ कर बैठता? क्या मैं आपके केवल ज्ञान से हिस्सा मानता? यदि आप मुझे अपने साथ ले जाते तो क्या मोक्ष में भीड़ हो जाती? प्रभु मैं जान गया हूं कि विपराग तो निश्चय ही होते हैं, ये तो मेरा ही अपराध है कि मैंने ज्ञान का उपयोग न किया। कार है ऐसे पाक्षिक स्नेह को, कार है इस संसार की सारहीनता का कोई अंत नहीं, यहां कोई किसी का नहीं, न कभी हुआ है न कभी होगा, न मैं किसी का हूं न ही कोई यहां मेरा है। सभी को मृत्यु के रास्ते अकेले जाना होगा, अकेले जाना होगा। जय जग स्वामी वीर जिनंद, जय जग स्वामी वीर जिनंद। जिस पीर हरी हर प्राणी की